नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। स्पेशल ब्रॉडकास्ट का टाइम है, भारत एट 9 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। केनियन प्रेसिडेंट जोमो केन्हाटा ने एक बार कहा था कि कुछ लोग अफ्रीका में आए, उनके हाथ में बाइबल थी, हमारे पास जमीन थी। उन्होंने हमसे कहा कि चलो भगवान की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना खत्म करके आँख खोली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। किसी भी धर्म संस्कृति को अगर खत्म करना है तो सबसे आसान है उनका मजहब बदलवा दो। कोई भी लालच का लॉलीपॉप देकर यह आसानी से किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर ने जो कुछ किया, मतलब जो बोल नहीं पाते उन्हें जबरन मुस्लिम बना दिया, जो सुन नहीं पाते उन्हें डराकर धमकाकर उनका धर्म बदलवा दिया, जिन्हें दो जून की रोटी नहीं नसीब हो रही थी उसे लालच देकर मुस्लिम धर्म में मिला लिया। ऐसा कब तक चलेगा यह धर्म का खेल? तो खबर यह है कि UPATS ने रुपए, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ATS की टीम ने काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया है। बता दूं, इस गिरोह पर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर इन्हें मुस्लिम बनाने का आरोप है। इन्हें ISI और विदेशों से फंडिंग मिलती थी, जिसके सबूत मिले हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि दोनों ही आरोपी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के निवासी। इन दोनों पर, जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर दोनों पर, अन्य प्रदेशों में भी धर्म परिवर्तन कराने के आरोप हैं। ये लोग गरीब बेसहारा हिंदुओं को निशाना बनाते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे और अब तक करीब 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। जी हाँ, 1000 लोगों का, सरकार की नाक के नीचे। ये दोनों मौलाना ज्यादातर बच्चों का, महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाते थे। महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का वृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। तो अब इस रैकेट का खुलासा हो गया है, ज्यादा दिन बचते नहीं है। बताऊंगा तो समझ आएंगे कि कैसे ये समाज के दुश्मन देश की रग रग में घुस चुके हैं। दर्शकों, एक संत हैं, नाम है यती नरसिंहानंद सरस्वती। आजकल कुछ लोगों को बहुत खटक रहे हैं ये संत। दर्शकों, एक धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, जिसके बाद दुश्मन भी बढ़ गए हैं। तो इन्हीं संत को मारने के लिए 2 जून को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में 2 लोग पहुंचे थे। दोनों लोगों ने खुद को हिंदू बताकर मंदिर में एंट्री ली, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों को शक हुआ तो इनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जो खुलासा हुआ है वो बताता है कि कैसे हमारे बीच कैसे लोग मौजूद। इन दोनों ने खुलासा किया है कि अब तक लगभग 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। जी हां, 1000। बार बार मैं इस शब्द पर रुक रहा हूं ताकि आपको सोचने को मजबूर कर दें कि हम किन किन चीजों से लड़ रहे हैं। यह अपराध है और इसकी सजा जेल है। यह समाज में, आपको बताऊं कि ये जो अपराध चल रहा है, इसकी सजा जो जेल है, ये समाज में रहने के लायक नहीं है। यही लोग हैं दर्शकों, जो देश को बांटने की अंतरराष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं। ये विदेशी एजेंट हैं जो देश को एक साथ नहीं देख सकते। ये लोग देश को एक बार फिर धर्म के नाम पर बांट देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन का अधर्म अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। इनका खेल खत्म करना होगा। मैं बधाई देना चाहूंगा यूपी पुलिस को, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी को, कि उन्होंने इस अधर्मियों को गिरफ्तार किया। दर्शकों, मेरे हाथ में ये जो FIR है, ये जो FIR की कॉपी है, वो आपको ये सोचने को मजबूर कर देगी कि हम लोग सच में एक धार्मिक वॉर की ओर बढ़ चले हैं। मतलब देश को खत्म करने की साजिश की क्रोनोलॉजी का हिस्सा है ये सब कुछ। दोस्तों, ये मुमकिन नहीं कि बिना ISI के, बिना किसी विदेशी फंडिंग के ये सारा खेल चल सके। ये बहुत बड़ा खेल है और इस खेल में कई लोग शामिल हो सकते हैं। यह FIR सबूत है इस बात की। यह तो हुई खबर की बात, लेकिन सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताने जा रहे हैं हम भारत एट 9 पर।
कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे बैकग्राउंड क्या है। गिरफ्तार हुए दोनों में से मोहम्मद उमर गौतम के बारे में आपको बता दें। मोहम्मद उमर गौतम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है। उसका नाम है, जो असली नाम है, वो हिंदू राजपूत परिवार से आता है। 1964 में उसका जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले उसका नाम था श्याम प्रताप सिंह गौतम। जी हाँ, ये नाम था उसका, जो बाद में उसने बदल लिया था। उसके पिता का नाम था धनराज सिंह गौतम। ये 6 भाई हैं टोटल, जिनमें उमर का 4th नंबर है। घर में इन्हें बचपन से ही प्रधान जी के नाम से पुकारा जाता था, इसको गौतम, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। खास बात यह है कि गौतम के फतेहपुर के गांव में ना तो उस समय किसी मुस्लिम का घर था और ना ही कोई मस्जिद थी। श्याम प्रताप सिंह गौतम अपनी शुरुआती पढ़ाई फतेहपुर में कर रहा था, गांव में। उसने उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गया उधर से, और उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए नैनीताल में उसने एडमिशन लिया। कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा। बीएससी के फाइनल ईयर में था, उसके पैर में चोट लग गई, जिसके बाद उसके हॉस्टल के कमरे के पड़ोस में रहने वाला नासिर खान उसकी सेवा में लग गया। नासिर खान बिजरौन का रहने वाला था और वो भी उसी दौरान नैनीताल कॉलेज में पढ़ रहा था। नासिर खान अपनी साइकिल से श्याम प्रताप सिंह गौतम को बैठाकर डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए ले जाया करता था। इस तरह से उनके बीच दोस्ती काफी गहरी होती थी। नासिर खान हर मंगलवार को गौतम को मंदिर भी ले जाया करता था। इस तरह से दोनों लोगों के बीच बातचीत का, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ और नासिर खान ने उसे तमाम इस्लामिक किताबें पढ़ने के लिए दी। यह सिलसिला 1.5 से 2 साल तक चलता रहा। इसी कड़ी में गौतम ने कुरान भी पढ़ी, जिसके बाद उसने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। साल 1984 में नैनीताल में ही MSc की पढ़ाई करते हुए उसने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्मांतरण करने के बाद श्याम प्रताप गौतम से उसने अपना नाम मोहम्मद उमर गौतम रख लिया। इसके बाद से उसने अपने कॉलेज और हॉस्टल में धर्म बदलने की बात को सार्वजनिक कर दी। बाद में उमर गौतम ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से इस्लामिक स्टडीज में MA किया। इसके बाद से उमर गौतम देश और दुनिया तमाम जगहों पर जाकर इस्लाम पर व्याख्यान देने लगा। वो खुद इन जगहों पर अपनी ये कहानी सुनाया करता था कि कैसे मैं हिंदू से मुस्लिम बना, और वहां मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म कबूलने को कहता था। इस्लाम धर्म में एंट्री करने के बाद उसने इस्लामिक दावा सेंटर खोला, जो दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके की नूह मस्जिद के पास। इस सेंटर के जरिए वो तमाम धर्मों के लोगों को इस्लामिक धर्म अपनाने का काम करता रहा, उनसे ऐसी बातें बताता रहा। दर्शकों, इस कन्वर्जन फैक्ट्री पर जल्द से जल्द ताला लगाने की जरूरत है। जल्द से जल्द इनको सलाखों के दर्शन कराने की जरूरत है। जल्द से जल्द इनको चुन चुन कर ढूंढना है और देश को बचाने की जरूरत है। जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ना होगा जो डर का व्यापार करते हैं। जल्द से जल्द उन सभी सेंटरों को सील लगाने की जरूरत है जहां ऐसे लोग काम करते हैं। जल्द से जल्द उन सभी संदिग्ध जगहों पर रेड करने की जरूरत है जहां ऐसे लोग ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। जल्द से जल्द इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो ये था आज का भारत एट नाइन। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।